हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों फ्लैश सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का 24 घंटों के लिए। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टेक्स्ट बुक की पास की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो बढ़ गई थी, 499 हो गया है, लेकिन सिर्फ आज के लिए दोस्तों फ्लैश सेल है और इस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये पा सकते हैं आप टेक्स्ट बुक पास मात्र 375 रुपए में। आपको करना क्या है, कूपन कोड यूज करना है MJT। MJT कूपन कोड यूज करते हैं तो 124 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे और ये टेक्स्ट बुक पास मात्र 375 में पा जाएंगे। आपको पता होगा टेक्स्ट बुक पास लेने से दोस्तों आपको हर एक प्रकार के एग्जाम का यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाला है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPPET की तैयारी कर रहे हो, या फिर इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और बेहतर कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट एनरोल करके बैठे हुए हैं। तो आप जाइए अभी लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड यूज करना मत भूलना MJT, जिससे आपको 25% का डिस्काउंट मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और टेक्स्ट बुक पास अभी लीजिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, भूल ना जाओ, कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। FATF के नए अध्यक्ष बन गए हैं टी राजा कुमार और टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है जसप्रीत बुमराह ने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने UP राज्य सरकार के साथ 30 वर्षों के लिए समझौता किया है और यायर लैपिड बन गए हैं इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर। पीयूष गोयल जी दोस्तों ये 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किए हुए हैं और क्रिसिल ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का नया अनुमान बताया है 7.3%। वही मिशेल पूनावाल को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य सिटी में टॉप पर है लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया और AP सिंह जी को एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एंड कमांड नियुक्त किया गया है। ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे दोस्तों कल की वीडियो से। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया दोस्तों 3 जुलाई को। देखिए आपको पता होगा 1 जुलाई से भारत सरकार ने एक्शन लिया था कि 1 जुलाई से प्लास्टिक पर बैन लगाया जाएगा और अब 3 जुलाई को देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया ही जाता है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। देखना है कि इंडिया का ये जो कदम था वो कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा है। फिलहाल आपको याद रखना है 3 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो प्लास्टिक जो बैग होते हैं इनसे मुक्ति पाने के लिए और इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 13वां संस्करण था, शुरुआत 2008 से हुई है। ओके अच्छा एक चीज और, ये जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना ये हजारों सालों तक सड़ते गलते नहीं है, खराब नहीं होते हैं, मतलब इससे पड़े रहते हैं और इससे होता है पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान। यही वजह है कि सरकार ने अभी एक्शन लिया है और 1 जुलाई से इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये दिवस और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग रिविजन कर लेते हैं कुछ। अभी 1 जुलाई को दोस्तों GST दिवस मनाया गया, 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या कहें नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही SBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे भी मनाया जाता है। ओके अगला देखते हैं, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीत लिया है सिनी सेट्टी ने। देखिए ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं, लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चलिए मैं इसका भी कुछ जुगाड़ निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है, कोशिश करता हूँ याद करवाने की। सिनी सेट्टी फिलहाल मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कर्नाटक सिनी सेट्टी क्राउन एज ए विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। तो इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। तो जो फेमिना मिस इंडिया 2021 की विनर होती हैं वो पहनाती हैं खिताब का ताज, ठीक है ना, वो थी कौन, वाराणसी की मनसा। ओके तो फिलहाल यहाँ पर मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2022 का खिताब सिनी सेट्टी ने जीत लिया है, रूबल शेखावत रही हैं उप विजेता। अब फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का जो विजेता होता है वही दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट करता है मिस वर्ल्ड में। तो यानी कि सिनी सेट्टी जाएंगी अब मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने। मिस वर्ल्ड सबसे बड़ा खिताब होता है,
ठीक है ना। तो फिलहाल ये कर्नाटक की हैं सिनी सेट्टी। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो अभी तक विनर्स की लिस्ट आई हुई है, जो और भी अलग अलग कंपटीशन हुए हैं उनके विनर्स की लिस्ट है। तो मिस वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए 2021 की विजेता कौन है, कैरोलिन विलावस्का पोलैंड की है। मिस यूनिवर्स तीसरी मिस यूनिवर्स भारत की बनी है हरनाज संधू। मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल, अभी ये क्वेश्चन आया था चर्चे में और ये लेटेस्ट न्यूज है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल, ये भी लेटेस्ट न्यूज है, इसको भी आपको याद रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है खुशी पटेल। फर्स्ट मिस इंडिया पर्ल अग्रवाल। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉक्टर अक्षरा प्रभु। मिसेज इंडिया गैलेक्सी डॉक्टर निकिता सोकल। और मिसेज वर्ल्ड 2021-22 साइलेंट फोर्ड ने जीता है। ओके, अगला। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में, कहां पर? राजस्थान के जोधपुर में दोस्तों सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया हुआ है। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी मैराथन 2022, कहां पर? जोधपुर राजस्थान में। ओके, तो ये जो सेफ्टी मैराथन था या कहें सिक्योरिटी मैराथन था जोधपुर राजस्थान में, ये भारतीय सेना के द्वारा एक एक्सरसाइज था। मतलब भारतीय सेना एक प्रकार से मॉक ड्रिल कर रहे थे। भारतीय सेना और तटीय सुरक्षा के जो होते हैं ना, तटों पर जो सेना सैन्यकर्मी होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्र जो है वहां पर कैसे इंडिया को प्रोटेक्ट किया जाए, देश को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए ये मॉक ड्रिल इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी की स्थापना 26 जनवरी 1950 से हम लोग मानते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना का दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी दोस्तों इसके हैं वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष। अगला देखते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे राजस्थान में है जोधपुर। राजस्थान की राजधानी वैसे जयपुर है, लेकिन ये मॉक ड्रिल हुआ जोधपुर में, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान मैप में यहाँ पर है, ये अपना बॉर्डर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से शेयर किया करता है। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। एसएस सिंधे यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव नेशनल पार्क, इसके अलावा आपको याद रखना है रामगढ़ विसधारी नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये चार यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। रामगढ़ विसधारी जो है ये तो अभी बना था 53वां, ठीक है, चलो 53वां टाइगर रिजर्व बना था अभी। घूमर, परिहारी, कालबेलिया, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में फैन कोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो फैन कोट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों रवि शास्त्री। पूर्व इंडियन टीम के चीफ कोच थे, अभी तो राहुल द्रविड़ है, तो ये पूर्व चीफ कोच थे टीम इंडिया के क्रिकेट के, और इनको अभी फैन कोट का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और पूर्व चीफ कोच भी रह चुके हैं, तो फिलहाल रवि शास्त्री फैन कोट के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। रवि शास्त्री एक और वजह से चर्चे में आए थे, अपनी पुस्तक को लेकर के। इनकी एक पुस्तक आई है, ऑटोबायोग्राफी आई है, स्टार गेजिंग, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला, हाल ही में वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों 2022 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे बेस्ट पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में चुना गया है एनटीपीसी। यानी एनटीपीसी में जो लोग, जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे लिए सबसे फेवरेट वर्क प्लेस ये है। तो भारत भर में रैंकिंग की गई, तो यहाँ पर ये पाया गया एनटीपीसी का जो वर्क प्लेस है, वो कल्चर है, वो यहाँ पर बेस्ट है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एनटीपीसी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। आप एनटीपीसी एग्जाम वाला मत लीजिएगा, एनटीपीसी एग्जाम रेलवे का वो दूसरा है। ये जो कंपनी है ये महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी जो है ये महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसको चुना गया है दोस्तों सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में। अभी इंडिया टुडे और मार्क्समैन इन दोनों के द्वारा एक ये रिपोर्ट जारी करी गई है, सर्वे पर आधारित थी। तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर और महानिदेशक है गुरदीप सिंह जी। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक महारत्न कंपनी है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू करी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेसिकली इसे शुरू किया है महिलाओं के लिए जो बस यात्रा होती है
उनमें उनके चार्ज जो होते हैं यानी कि यात्रा का जो किराया होता है उसको 50% तक कम करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नारी को नमन नाम की स्कीम। ओके, तो इसके तहत महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी और राइड विद प्राइड नाम की जो सरकारी टैक्सी सेवा भी इन्होंने शुरू करी है, इसके तहत महिला ड्राइवरों के लिए 25 नए पदों की मंजूरी भी देने की घोषणा करी गई है। अब इससे हिमाचल प्रदेश सरकार पर प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक चीज और किया है कि सभी यात्रियों के लिए न्यूनतम बस किराया 7 रुपए से घटा करके 5 रुपए किया है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश सरकार का। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैप में हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर देखिए उत्तराखंड से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है, हरियाणा से भी, पंजाब से, लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर से शेयर करता है। धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर और अमजद ए सैयद यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही मैंने आपको बताया था चंद्रताल और सूरजताल नाम की झीलें हैं, याद रखिएगा ये दोनों। रेणुका झील भी है यहाँ पर, परासर झील और खजियार झील भी है। ठीक है, चंद्रताल और सूरजताल ये दोनों भी याद रखेंगे आप। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता? तो ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है दोस्तों कार्लोस सेंज ने। ये आपको नया नाम दिख रहा होगा, कार्लोस सेंज ये अपने करियर की पहली जीत जीते हैं, यानी कि पहली रेस जीते हैं कार्लोस सेंज। तो इन्होंने अपना देखिए मैडन F1 रेस जीता हुआ है इन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में। तो ये फेरारी के खिलाड़ी हैं यानी कि फेरारी के ड्राइवर हैं, तो इन्होंने ये जीत लिया हुआ है। मैक्स वर्सस्टैपन जो कि इस सीजन के दोस्तों चैंपियनशिप लीडर है, मतलब सबसे ज्यादा रेस इन्होंने ही जीता है, ये 7वें स्थान पर रहे। वहीं रेडबुल के सर्जियो पेरेज दोस्तों ये दूसरे स्थान पर रहे और लुइस हैमिल्टन जो कि इस साल बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं ये तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन वैसे आपको बता दें दुनिया में सबसे ज्यादा F1 रेस का जीतने का रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे अभी तक इस सीजन में कितनी रेसेज हुई हैं, उनके विजेता कौन कौन से, जैसे मैक्स वर्सस्टैपन ने ही अब तक सबसे ज्यादा रेस जीती है, सऊदी अरब ग्रां प्री, एमिलिया रोमाना ग्रां प्री, मियामी ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री, अजरबैजान ग्रां प्री और कैनेडियन ग्रां प्री। इसके अलावा चार्ल्स लेक्लेयर जो कि फरारी के हैं, मोनाको के रहने वाले हैं, फरारी के ड्राइवर हैं, इन्होंने बहरीन ग्रां प्री और ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता है। सर्जियो पेरेज जो कि रेडबुल के खिलाड़ी हैं और मैक्सिको के रहने वाले हैं, ये मोनाको ग्रैंड प्री जीते हैं। और वहीं कार्लोस सेंज जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, इन्होंने अब जीत लिया है ब्रिटिश ग्रां प्री। क्लियर है, बिल्कुल याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इस पर ध्यान देना है। इसको अगर आप ध्यान दे लोगे, इसको याद कर लोगे तो ये अपने आप बचाव वाला आप लगा सकते हो। क्लियर। ग्रुप डी का दोस्तों जो GS बैच आया हुआ है, जबरदस्त बैच है, त्रिनेत्र बैच। इस त्रिनेत्र बैच में आपको करंट अफेयर, GS और साइंस पढ़ाया जा रहा है, जहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है विद डिटेल PDF। मंथली बुक आपको एग्जाम तक बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, रिविजन क्लासेस चलाई जा रही है, CBT 2 का सॉल्व पेपर कराया जा रहा है। तो अब ये सभी चीजें आपको मात्र 399 में मिल रही है, तो आप MZT ऐप पर अभी जाकर के इसे परचेज कीजिए। देखिए अगर अभी आप अगर लेते हो तो क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर आप 2 दिन बाद लेते हो, 4 दिन बाद लेते हो, तो आप 4 दिन बाद से शुरू करोगे पढ़ाई। तो आप लोग डिसाइड करो और इसको परचेज करो और अपनी तैयारी शुरू करो। बाकी के जो भी एग्जाम्स हुए हुए हैं आप अगर कभी भी कमेंट उठा करके देखोगे या फिर आप लाइव क्लासेस में आकर के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई जरूर आकर के बताता है कि सर हमारे एग्जाम में आपके हूबहू 100% क्वेश्चंस मैच किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लाए जाते हैं, क्वेश्चन संख्या कम भले रहती है लेकिन वही लाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, फालतू का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लिया जाता है, तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप ट्रस्ट करके जुड़ सकते हो हमसे और अपनी एग्जाम की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों क्लासेस की लिस्ट है जो YouTube पर चलाई जा रही है आजकल, तो आप बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब कर सकते हो और इन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हो। दिन भर क्लासेस चलती है तो आप लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अगला, हाल ही में सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर किसकी स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दिया? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो को इसका नाम चेंज कर दिया है, इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और इसके स्थान पर अब FSIB को इंट्रोड्यूस किया है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये एक नया है FSIB, ठीक है, न्यू एंटिटी विद वाइडर मैंडेट टू रिप्लेस BBB। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो को थोड़ा सा अपग्रेड करके और ज्यादा उसमें नए फीचर्स और ज्यादा नई जिम्मेदारियां जोड़ करके इसको चेंज करके नया नाम रख दिया गया है FSIB। ओके, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे डिटेल में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो जो है इसके रूप में इसको बदल दिया गया है। ओके, तो इसके तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के महाप्रबंधक और निदेशक का जो चयन होता है, नियुक्ति होती थी, उसका भी गठन इसी के उसके भी नियुक्ति की जिम्मेदारी FSIB को दे दी गई है। ओके, अगर हम लोग बात करें बैंक बोर्ड ब्यूरो की, तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, भानु प्रताप शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में भारत ने अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2022 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ, क्योंकि 1947 से अगर आप जोड़ोगे तो 75 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं 2022 में। तो ऐसे अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, आयोजित के आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप महोत्सव। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और पूरे साल भर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट करने की घोषणा करी थी। इसी के तहत आपको तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के सम्मेलन देखने को मिलते हैं और तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहीं पर 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक और डेवलपमेंट देखने को मिली है, भारत नेपाल से रिश्ते और अच्छा मजबूत करने के लिए 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट किया है, तो नेपाल को भेंट किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इंडिया गिफ्टेड 75 एम्बुलेंसेज एंड 17 स्कूल बसेस टू नेपाल। ओके, तो जो नेपाल में भारत के राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव जी, इनकी अध्यक्षता में वहां पर नेपाल में शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं देवेन्द्र पौडोल, उनकी उपस्थिति में वाहनों की चाबी को दिया गया, सौंपा गया। इससे पहले भी भारत बहुत मदद कर चुका है नेपाल की, नेपाल से एक्चुअली में भारत का रोटी बेटी का नाता है, तो फिर होता रहता है और जरूरी भी है पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाना, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दुश्मन बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसी से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। 2021 में COVID-19 महामारी के दौरान वेंटिलेटर से लैस 39 एम्बुलेंस दिए थे भारत ने, 2020 में 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसेस दी हुई थी और यहाँ पर अभी 75 एम्बुलेंस और 17 और स्कूल बसेस दी गई। बहरहाल नेपाल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नेपाल इंडिया के मैप में आप देख पाओगे यहाँ पर है शेख बहादुर देउबा, यहाँ के करंट टाइम पर शेर बहादुर देउबा यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं, विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं, काठमांडू राजधानी, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी, संसद का नाम बड़ा पूछा जाता है, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, राजभाषा नेपाली है और काठमांडू सबसे बड़ा नगर है यहाँ का। अगला, हाल ही में रिन्यू पावर ने किसकी साझेदारी के साथ प्रोजेक्ट सूर्य लॉन्च किया। तो रिन्यू पावर ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट सूर्य लॉन्च किया है दोस्तों, UNEP और सेवा नाम के दो संस्थानों के साथ मिलकर। यहाँ पर बोथ ए एंड बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। UNEP का मतलब जानते ही आप, यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर के, UNEP और सेवा ने मिलकर के और रिन्यू पार्टनर्स के साथ साझेदारी करके 1000 विमेन साल्ट पैन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए ये योजना शुरू करी है। नाम क्या है? प्रोजेक्ट सूर्य नाम है इसका। यहाँ पर देख पाएंगे आप रिन्यू पावर, UNEP और सेवा के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट सूर्य लॉन्च किया गया है। सेवा का मतलब होता है दोस्तों, सेवा का मतलब होता है भारतीय स्वरोजगार महिला संघ, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। तो इसके साथ मिलकर के प्रोजेक्ट सूर्य लॉन्च किया गया है। UNEP के बारे में बात करेंगे तो स्थापना इसकी 1972 में हुई थी, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। अच्छा, UNEP के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों मिलकर के UNEP के साथ दोस्तों क्या लॉन्च किया था? माझी वसुंधरा, क्या नाम से लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट, एक कार्यक्रम, माझी वसुंधरा नाम का एक अभियान शुरू किया था। क्लियर, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दोगे अगर और शेयर कर दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। डेली दोस्तों दोपहर में 12 बजे आती है हमारी स्टैटिक जीके की क्लास, उसको भी लेना मत भूला कीजिए। इसके अलावा रात को आती है 8 बजे
करंट अफेयर की क्लास, तो उसको भी जरूर आप अटेंड कीजिए। करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है और स्टैटिक जीके की क्लास में आपका स्टैटिक जीके तैयार कराया जाता है। ये दोनों क्लासेस के माध्यम से आप निश्चित तौर से अपना जीके बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कल के दिन के पूछे गए क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था अर्जेंटीना किस संगठन में शामिल होने के लिए चर्चा में रहा है, तो अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल हो रहा है। कल रात वाली वीडियो में मैंने आपको जितने भी देश हैं और जहां जहां पर संगठन में नए नए लोग ऐड हो रहे हैं वो सब कुछ बताया था। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो आप उसको स्टेटस पर लगाइए आज, और अगर आपको याद हो चीजें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कौन कौन से देश कौन कौन से संगठन में जुड़ रहे हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपके लिए क्वेश्चन है कि यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 में भारत की कौन सी सिटी शीर्ष पर है? अगला, इजराइल की राजधानी का क्या नाम है? बहुत ही आसान है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना, और एप्लीकेशन पर जाकर के इसकी फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और फ्री में क्विजेज फ्री में बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पीडीएफ वीडियो स्टडी मटेरियल्स वगैरह आप एमजीटी ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, यहीं से आप हमारे पेड बैचेस भी ले सकते हो और ई बुक भी ले सकते हो। ई बुक आ गई है दोस्तों जून मंथ की, तो आप उसको ले सकते हो। इसके अलावा जनवरी से लेकर के जून का 6 मंथ का भी करंट अफेयर की बुक आ गई, उसको भी आप प्राप्त कर पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो एमजीटी एजुकेशन सर्च करके पीडीएफ और क्विजेज और लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।